तो जी गाइस, अब हम देखने वाले हैं प्रोसीजरल कोड और ऊ बेस्ड कोड। मीन के एक प्रोसीजरल कोड लिखा हुआ है आपका, ठीक है, उसको आपने ऊब में कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आप किस तरह करेंगे, आपको एग्जांपल मैं देने वाला हूँ कैलकुलेटर की। लास्ट हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ते हुए कैलकुलेटर की एग्जांपल देखी थी, अब मैं यहाँ पे वो एग्जांपल कोड कर रहा हूँ, कुछ एडवांस है इसके अंदर। प्रोसीजर लैंग्वेज है, ठीक है, मैंने एक प्रोसीजर के थ्रू एक कैलकुलेटर क्रिएट किया हुआ है, उसको आपने देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि इसको आप किस तरह ऊब में कन्वर्ट करेंगे इन क्लासेस। ठीक है, एक क्लास बनाएं और उसके शिफ्ट करें तमाम फंक्शन उसके, तो कैसे कर सकते हैं आप देखें। ये यहाँ पे आपका कोड डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे अपने जो है फंक्शंस को डिक्लेयर कर लिया हुआ है। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे मैं मेन को फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ। नीचे हमने फंक्शंस की डेफिनेशंस राइट की हुई हैं, ठीक है। डिस्प्ले के लिए पूरा एक मेन्यू क्रिएट किया है हमने, मेन्यू क्रिएट किया कि 1, 2, 3, 4 डायल करें, जो भी डायल करें उसके मुताबिक वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके यूजर। आगे डबल का एड का मेथड बनाया हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ठीक है। अच्छा, ये हमने बना लिया, अब आपने करना क्या है, अब ये फंक्शंस तो हैं, ये प्रोग्राम वर्क करेगा, किसका वर्क करेगा, देखें डिस्प्ले का मेथड है, डिस्प्ले डू वाइल लूप हमने यूज की हुई है। डू वाइल लूप क्या करती है, आपका फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करती ही करती है, उसके बाद जब तक आप जो है अपना उस कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती वो विद इन लूप रहता है। तो हम यहाँ मेन्यू लिया हुआ है, जब तक 5 वो इंसर्ट नहीं करता कंडीशन तब तक वो चलता ही रहेगा प्रोग्राम। पहले इसको एग्जीक्यूट करके बता दूं मैं कैसे चल रहा है, वर्क किस तरह कर रहा है, देन इसको आप ताकि इजिली आप शिफ्ट कर सकें इसको इन अदर प्रोग्राम। चलिए देखते हैं इसको, देखें ये प्रोग्राम रन हुआ। अब यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेटर आपको शो करवा रहा है, जब उसने कहा जी आप कोई भी चॉइस एंटर करें, मैं 2 एंटर कर रहा हूँ, बल्कि 1 ही एंटर करते हैं, ऐड के लिए करें, फर्स्ट नंबर एंटर करें 5 किया मैंने, फिर 7 कर दिया, उसका रिजल्ट सेट उसने 12 दे दिया, कि मीन उसका रिजल्ट क्या है 12 है। इसी तरह आगे नेक्स्ट चॉइस मांगता जाएगा, जैसे ही आप 5 एंटर करेंगे तो वो एग्जिट कर जाएगा, जैसे 5 किया एग्जिट कर गया। अब ये छोटा सा प्रोग्राम आपको इसका आइडिया आपको है, आप बच्चे नहीं होंगे, आप फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अब आप ऊब को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, इसको ऊब में कन्वर्ट करना है। तो ऊब में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट करने के बाद इन फंक्शंस को वहां पे आप क्या करेंगे डिफाइन करेंगे उस क्लास के अंदर, और जो वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं उन वेरिएबल्स को मेंबर वेरिएबल यूज करेंगे। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे क्लास मैंने क्रिएट कर ली है ताकि आपका टाइम सेव हो। यहाँ आप देखें एक कैलकुलेटर बनाया, एक क्लास बनाई, इसके अंदर क्या किया, पब्लिक मैंने एक मेंबर फंक्शंस, एक पब्लिक कीवर्ड लगाया मैंने, यहाँ पे सारे फंक्शंस डिफाइन कर दिए। डिस्प्ले का मैंने सिंपल यहाँ से कॉपी किया है, यहाँ से मैंने कॉपी किया है, कॉपी करके इस क्लास के अंदर ले आया हूँ, ठीक है। ये क्लास बन गई, ये ऐड बन गया, एब्स्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक रन का मेथड बना लिया जो पूरे प्रोग्राम को रन करेगा। अब ये बनाने की क्या जरूरत पड़ी मेरे रन का मेथड, देखें यहाँ पे आप चेक करें, अगर मेन के अंदर मैं यहीं पे मेन के फंक्शन के अंदर अब दोबारा वो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये सारा प्रोसीजर करूं, ठीक है, यहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एब्स्ट्रैक्ट का मेथड एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन ये दोबारा प्रोसीजर यहाँ पे कोड लिखूं, ये सारा लिखूं और अब यही कोड मुझे कहीं और भी यूज करना पड़ जाए किसी और फंक्शनैलिटीज के अंदर, ठीक है, कोड कैलकुलेटर को फिर दोबारा मुझे राइट करना पड़ेगा, तो फिर तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मकसद है वो फात पा गया, वो मीन के आप यूज ही नहीं कर रहे उसको। तो आपने करना क्या है, जो क्लास होती है वो एक पूरा पैकेज होता है, पूरा एक फीचर होता है किसी भी चीज का, आप बना रहे हो कैलकुलेटर क्लास में, उसके अंदर पूरे फीचर बना लिए, पूरा एक पैकेज बन गया आपका, ठीक है, उसके अंदर आपके एक पूरा कोड क्लीन हो गया, अब इसके सारे फंक्शंस यहाँ पड़े हुए हैं। अब आप जब मेन के अंदर इसको कॉल करेंगे रन को, जस्ट इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैलकुलेटर का, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन के अंदर सिंपल, इसको आप खत्म करें, इसका बनाएं सी ए रख लें इसको, और उसके बाद सी ए डॉट करें रन, ठीक है, रन करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये वाला मैं प्रोग्राम सारा ये खत्म कर रहा हूँ इस तरह, अब ये सारा कोड क्लीन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से भी मैं कोड क्लीन कर रहा हूँ, और यहाँ से भी मैं नीचे कोड क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कोड क्लीन करता हूँ तो ये मेरे पास शेप इसकी निकल आती है, ठीक हो गया। जब ये शेप निकली है तो अब इसको आपने रन करना है, तो कैसे रन होगा, देखिए मैं रन करता हूँ, सिंपली वही आपका इंटरफेस आएगा जो ऑलरेडी था, ठीक है, देखिए वही इंटरफेस आपके पास आ रहा है जो ऑलरेडी था। यहाँ पे चेक कर लें, चॉइस एंटर करें, जो भी करें इसको आप खुद रन करें, मैं आपको इसकी कुछ और अंडरस्टैंडिंग देता हूँ साथ। देखें अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रूल क्या होता है, कि आपने करना क्या होता है, फीचर बेस्ड चल रहे होते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाया आपने, छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके अंदर एक फीचर नहीं होता, उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं। आपने एग्जाम्पल पढ़ी होगी सॉफ्टवेयर की, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बन के एक पूरा एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, ठीक है। अब एक फीचर बनाया आपने, कैलकुलेटर का सेपरेट फीचर है, ठीक है, इनवाइस क्रिएट करने की क्लास सेपरेट होगी, इसके अंदर आप सिंपल इनवाइस
क्रिएट कर रहे होंगे, एक आइटम की क्लास सेपरेट होगी जो सिंपल आइटम्स को मैनेज कर रही होगी, ये क्लासेस बना ली। अगर यही सारा कोड आप मेन के अंदर कर दें, यहाँ पे आगे यहाँ तो रश लग जाएगा, यहाँ पे प्रोसीजर लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी, कोड क्लीन नहीं होगा, अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, रीयूजेबल नहीं होगा, तो ये इसके फ्लॉज हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या है कंसेप्ट है। चलें, आपका अंडरस्टैंडिंग काफी होगी होगी इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे और इनहेरिटेंस को। ओके, अल्लाह हाफिज़।